चलिए, तो आज अपना लेक्चर नंबर 10 बायोलॉजी। आज का टॉपिक है द फ्लावर। ठीक है, फूल को ही हम लोग को और पढ़ना है। तो फूल के बारे में अभी तक हम लोग ने क्या समझ लिया है कि फूल, हाँ, स्पेशलाइज्ड शूट है, वेरी गुड, और दैट इज मॉडिफाइड लीव्स हैं वो। ठीक है, कैसे मॉडिफाइड है, क्यों आप उनको मॉडिफाइड कह रहे हैं? हाँ, स्पेशल सर्कल्स दैट आर कॉल्ड, नहीं दैट आर कॉल्ड स्पेशल सर्कल होल्स, होल्स। ठीक है, कितने होल्स होते हैं एक फ्लावर में? 4। तो हम लोग ने कितने डिस्कस किए हैं? 2। तो ज़रा मुझे शुरू से बताइए कि वो फर्स्ट और सेकंड होल कैसे आता है, सबसे पहले कैसे आएगा? नहीं नहीं, कहाँ से एक प्लांट शुरुआत होती है? थैलमस से। गुड, ठीक है, सबसे पहले एक स्टिग्मा आती है जिसको हम लोग स्टेम कहते हैं, वो खुलती है हमारी थैलमस में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग की प्लांट की शुरुआत। थैलमस में बेसिकली सेल सैप स्टोर्ड होती है, सेल सैप, इट इज़ अ टिश्यू विच होल्ड्स द प्लांट, विच होल्ड्स द फ्लावर, कि अपनी पोजिशन, क्योंकि हवा चलेगी तो पत्तियां जैसे तो जुड़ी हुई हैं स्टेम से, लेकिन ये स्टेम से हट के तो इनको भी तो बहुत स्ट्रांग कुछ होल्ड चाहिए। और आपने देखा होगा जब हवा चलेगी तो पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन फूल उतने नहीं झड़ते, क्योंकि फूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक फ्लावर के लिए, एक प्लांट के लिए, तभी अट्रैक्शन वो कर पाएंगे इंसेक्ट्स का। एक क्या लीव्स, वो सारी नहीं, वो पुरानी लीव्स को लेके जाता है जिसमें क्लोरोफिल ख़त्म है, नई लीव्स नहीं। सबसे पहले जब हवा चलेगी तो आपकी पुरानी लीव्स शेड कर जाएंगी, तो प्लांट जो यूज़फुल नहीं है उसको हटा दे, जैसे आपके बॉडी में जो यूज़फुल नेल्स आपके यूज़फुल नहीं आप काट के हटा देते हो ना, नेचर भी वही करती है, कितना स्टोर करके रखेगी। ठीक है, चलिए, स्टिग्मा आपने बताया, गुड, उससे खोला हमला थैलमस, फिर एक एक करके बताएगा कोई, फिर आप बताएंगे, फिर आप बताइए, सेपल में खोला ये, सेपल के बारे में कुछ बताइए युवराज, नहीं नहीं सर युवराज, ठीक है, ये फर्स्ट होल है कि सेकंड होल है? ठीक है, फर्स्ट होल है और ये आउटर मोस्ट होल है और इसको सेपल कहते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट, और कुछ बताइए आप। ठीक है, हाँ, प्रोटेक्शन टू द फ्लावर इन बडिंग कंडीशन, गुड, फिर आप बताइए, हाँ सेपल के बारे में और कुछ? हाँ, बहुत यूज होता है तो गैमोसा पैलेस। ठीक है, और हाँ, क्योंकि ये ज़्यादातर ग्रीन कलर का होता है, गुड, उसके बाद सेकंड के बारे में बताइए युवराज भाई, पेटल। ठीक है, पेटल बना दिया मैंने। ठीक है, पेटल के बारे में कुछ बताइए आप। गुड, वेरी गुड, कौन सा होल है ये, फर्स्ट सेकंड? सेकंड होल है, गुड, अब कुछ बताइए आप युवराज। हाँ, इसके बारे में जितना भी पता है। हाँ, हाँ, फ्यूज में गैमोपेटालस, बहुत अच्छा, ये पॉली और गैमो वर्ड साथ में लेके चलिएगा, जैसे जैसे होल होगा उसके साथ साथ मुड़ेगा। डायग्राम तो बहुत ही रद्दी बन रहा है, तो हम लोग एक अच्छा गूगल से उठा ले रहे हैं, क्योंकि भगवान ने, सरस्वती जी ने उतनी अच्छी हमको आर्ट नहीं दी है। फ्लावर, तो
इतना हम लोग डिस्कस कर लिया सेपल पेटल, और पेटल क्या करता है ये तेजस भाई? हाँ बहुत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो बहुत इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट हैज़ टू लुक अट्रैक्टिव एंड स्मेल नाइस। एंड हाउ डज इट स्मेल नाइस युवराज भाई? क्या वो चीज़ है जो इसको उसकी फ्रेग्रेंस देती है, क्या वो चीज़ है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है? क्योंकि काफ़ी इंसेक्ट्स तो कलर ब्लाइंड है, तो ओनली बींग ब्राइटली कलर्ड, इनको लार्ज ब्राइटली कलर्ड भी कहते हैं, ठीक है, उतने से काम नहीं चलेगा। इसको स्वीट सेंट होनी चाहिए और टेस्ट होना चाहिए। तो ये स्वीट सेंट और टेस्ट के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? नहीं याद आ रहा। नेक्टर, नेक्टर, ठीक है, नेक्टर। नहीं नहीं पोलन ग्रेन बहुत अलग है, नेक्टर काफ़ी अलग है। नेक्टर इज अ स्वीट लिक्विड विच हैज़ अ स्वीट टेस्ट एंड गुड फ्रेग्रेंस। ये आपके पेटल्स के ही पास ऐसे ऐसे छोटी छोटी स्टिक्स आती है, उन्हीं में होता है, या कभी 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 पेटल्स के अंदर होता है, मगर पोलन ग्रेन्स हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर होता है, एंथर के अंदर, ठीक है, अभी पढ़ते हैं। चलिए अब लेट्स गेट टू आर थर्ड होल। अब हाँ, वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो नो हम लोग फर्स्ट और सेकंड होल पढ़े हैं, दीज आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट। हाँ ठीक है, दीज आर नॉन एसेंशियल। युवराज कोई आप सोचेंगे क्यों इनको नॉन एसेंशियल कह दिए, मतलब अगर ये फ्लावर के पास नहीं होगा तब भी फ्लावर का काम चलेगा, तब भी फ्लावर का काम चलेगा, क्यों ऐसा? क्योंकि दीज आर, हाँ दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए ये फर्स्ट एंड सेकंड होल, फर्स्ट एंड सेकंड होल आर द नॉन एसेंशियल होल्स, आर द नॉन एसेंशियल होल्स बिकॉज बिकॉज they are not concerned, because they are not concerned with the reproduction, with the reproduction। किसका चैप्टर? पता नहीं आया क्यों नहीं है। अगर आपको अगर रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा तो आप टेंथ की क्लास में बैठ जाइएगा, ठीक है, टेंथ की क्लास में, एट्थ की क्लास में, उन सब में है, पता नहीं क्यों कटवाया गया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए तो ये दोनों को तो भाई नॉन एसेंशियल बोल दिया गया, तो एसेंशियल कौन से होल होंगे? थर्ड और फोर्थ होल, ठीक है, तो हम लोग थर्ड और फोर्थ होल देखते हैं। इसी में अगर लेबल करें तो देखिए ये हमारा होगा थर्ड होल स्टेमेन, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, पढ़ के आए एंड्रोशियम, ठीक है, स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ई लगता है, सिर्फ ए एन डी आर ओ नहीं है, ए एन डी आर ओ ई है, एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्ट, यार मेल से पता नहीं क्यों एंडोशियम का, लेकिन आपको याद करना है तो फीमेल का गाइनोजियम है, तो जी से आप गर्ल से याद कर लो कि फीमेल गाइनोजियम ऐसे, अब जो बच्चा वो मेल होगा, ठीक है। अब ये जो पिस्टिल है ये है हमारी फोर्थ होल, तो इसको पिस्टिल भी कह सकते हैं आप, इसको कार्पेल भी कह सकते हैं, बट दिक्कत क्या है कि दे बोथ आर सिंगुलर टर्म। ये जैसे कि देखिए आपके थर्ड होल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कितने सारे हैं ना, ऐसे वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी सिर्फ एक नहीं होता है, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, तो सबको मिला के द प्लूरल टर्म फॉर फोर्थ होल इज गाइनोजियम। जैसे इसका प्लूरल टर्म हमारा एंडोशियम है, ये सिंगुलर सिंगुलर बोलेंगे तो स्टेमेंस है, हाँ एक को इसने पकड़ा है, देखिए सिर्फ एक को पकड़ा है इसको,
लेकिन इतने सारे हैं तो सबको साथ में आप एंडोशियम बोलेंगे, सारे स्टेमेंस को, सारे स्टेमेंस को साथ में एंडोशियम बोलेंगे, सारे पिस्टल्स या कार्पेल्स को आप साथ में गाइनोजियम बोलेंगे। जी 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 पूछिए। हाँ ये, ये हाँ हाँ ये सब होती है क्या सर, मतलब एक से ज्यादा? हाँ ये एक से ज्यादा भी हो सकती है एक प्लांट में, ठीक है। तो उनको एक पिस्टल, फिर यहाँ पे एक पिस्टल, यहाँ पे एक पिस्टल, पिस्टल या फिर कार्पेल जो भी बोले, तो वो हम लोग को पता ही नहीं है, तो हम लोग बोल देते हैं ये गाइनोजियम है, ठीक है। तो कितना भी वो प्लूरल टर्म है, ठीक है, उसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों आता है। चलिए अब डिटेल में फर्स्ट और सेकेंड होल पढ़ते हैं, अरे थर्ड और फोर्थ होल, नहीं नहीं थर्ड होल विच इज एंडोशियम। ये मिल गया। इसकी अच्छी सी इमेज नहीं खोल रही। खोल जाओ यार, अच्छी इमेज क्यों नहीं खोल रहा? देखो ठीक है, ये है हमारा थर्ड होल। थर्ड होल क्या नाम है युवराज? हाँ स्टेमेन, ठीक है, दिस इज आवर स्टेमेन, ठीक है। एंडोशियम, एंडोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंडोशियम स्पेलिंग देखिए गलत हो गया, इसकी स्पेलिंग हमेशा ध्यान दीजिएगा, ANDROE है, CIUM, एंडोशियम। तो देखिए आप ये जो निकल रहा है फ्लावर से, ये वाला पार्ट, अगर मैं आपको प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊँ ना, तो होता क्या है कि प्लांट्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो प्लांट्स ज़्यादातर प्लांट्स बायसेक्सुअल होते हैं। इसका क्या मतलब कि उनके खुद के ही प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रखते हैं और फीमेल भी। जैसे ये फ्लावर भी देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रखी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रखी है। तो अगर इसको खुद से ही रिप्रोड्यूस करना है तो उसके पास वो भी ऑप्शन है, और इसको अगर किसी और फ्लावर के साथ, अब अगर ये जो है हमारी बायसेक्सुअल नहीं हुई, अगर ये हमारी यूनिसेक्सुअल हुई, तब फिर इसको दूसरे के पास, तब फिर इसके पास एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, लेकिन जनरली सारे फ्लावर्स के पास ये दोनों ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, बहुत ही सिंपल होता है मेल रिप्रोडक्शन, अरे फ्लावर का रिप्रोडक्शन। तो ये जो एंथर होता है, ठीक है, ये यहाँ से, ये किससे जुड़ा होता है, इसको कहते हैं फिलामेंट, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं फिलामेंट, और इसके ऊपर पे होता है ये एंथर। हाँ एक स्टेम है जो उसको लेके जा रहा, ऊपर मेन उसका एंथर है। वो एंथर में क्या होता है, ढेर सारे अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। नहीं नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो स्टेमेन है, लेकिन स्टेमेन में दो पार्ट्स है, फिलामेंट वो छोटी सी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर एंथर जुड़ा हुआ है, इन दोनों को साथ में स्टेमेन कहते हैं। तो स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। फिलामेंट हाँ इसके लिए न्यूट्रिशन लेके जाती होगी पॉलन ग्रेन्स के लिए, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स ढेर सारे होते हैं, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल गेमीट। गेमीट मतलब समझते हैं ना, सेक्स सेल, गेमीट मीन्स सेक्स सेल। तो इसके अंदर होता है मेल सेक्स सेल। तो ये मेल सेक्स सेल क्या करता है, ये बड करता है, ये फूटता है टाइम टाइम पे, और ढेर सारे पॉलन ग्रेन स्प्रेड हो जाते हैं, और उन पॉलन ग्रेन को पकड़ने का काम होता है इसका स्टिग्मा का। ये पूरा पिस्टल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका अपर मोस्ट पार्ट है स्टिग्मा। ये बहुत ही स्टिकी सरफेस होता है, तो जितने भी पॉलन ग्रेन उड़ते रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, इसका काम है उन्हीं को कैच करना, आके थोड़ा सा इस पर गिर जाए और ये उसको कैच कर लेगी अपने ऊपर। फिर क्या होता है, जैसे स्पर्म्स के साथ होते हैं, ढेर सारे स्पर्म्स होते हैं, लेकिन एक ही
फर्टिलाइज करता है। तो ये सब में स्टेमेन स्टिग्मा अपना ही कैलकुलेट करती है कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस, सबसे ज़्यादा अच्छा पॉलन ग्रेन कौन सा है। फिर वो एक जाता है नीचे 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 स्टाइल के थ्रू, और यहाँ पे जाके ओवरी में, ओव्यूल के अंदर, यहाँ पे फीमेल सेक्सेल होती है, उसके साथ जाके ये फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइज मतलब कि जैसे कि ह्यूमंस में स्पर्म्स और एग्स मिलके जायगोट बनाते हैं ना, मिल जाते हैं बेसिकली, फीमेल सेक्सेल मेल सेक्सेल मिल जाते हैं और एक नया फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लावर का रिप्रोडक्शन, जो कि नहीं था लेकिन अब हम लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए ये बताना भी ज़रूरी है, वरना आप सोचते रहेंगे कि यार क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, पॉलन ग्रेन क्यों फट रहे हैं। रोक दिया जाता है, अभी इस चैप्टर में रोक दिया जाएगा कि इसके अंदर पॉलन ग्रेन पड़े हैं, और यहाँ पे फीमेल पे रोक दिया जाएगा कि ये स्टिकी सरफेस है। तो उसका करें क्या, अब समझ में आ रहा कि अच्छा ये पॉलन ग्रेन इसके अंदर भरे हैं, तो उसका वो काम है कि वो फटेंगे ढेर सारे, और स्टिग्मा का ये काम है कि वही पॉलन ग्रेन को पकड़े। ठीक है, चलिए अब एक एक करके समझते हैं। तो ये देखिए, अगर उसी को मैं जूम आउट करूं इस एक स्ट्रक्चर को, तो कुछ ऐसा दिखेगा, अग्रीड। तो ये जो नीचे से उसको पकड़ के ला रही है, ये जो नीचे से उसको पकड़ के ला रही है, ये हमारी फिलामेंट है, क्लियर। और ऊपर है इसका एंथर, सो दिस इज द फिलामेंट। ठीक है, दिस इज फिलामेंट एंड उसके ऊपर होता है एंथर, और एंथर के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली चार पॉलन सैक होते हैं। ठीक है, चार पॉलन सैक होते हैं, एक दो तीन चार, और इन पॉलन सैक के अंदर भरे होते हैं ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, फिलामेंट से जुड़ी एंथर, एंथर के अंदर पॉलन सैक, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन, और उन पॉलन ग्रेन के अंदर मेल सेक्स सेल। ठीक है, ये होता है हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। तो ये है हमारा, हाँ, फूटता कैसे है, जब भी प्लांट का मैच्योरेशन आता है, ठीक है, जब ये मैच्योर होता है, तो इसका ये जो, नहीं नहीं ये पूरा एंथर ही, देखिए ये ऐसे था, अब ये फूटा है, इसको तोड़ना ही दिखाया है, देखिए ये फूटा है ऐसे, तो फूट के ही निकलेगा। जैसे ऐसे समझिए कि आपने देखा हो, अच्छा हाँ लाइव एग्जांपल आपको देना, तो आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ आंधी चलती है तो वाइट वाइट उड़ने लगते हैं कुछ, उसको आप लोग पकड़ते हैं, तो वैसे ही होते हैं पॉलन ग्रेन्स, वो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन, बहुत बड़ा पॉलन ग्रेन है, लेकिन उसके बीच में जो ब्लैक कलर की चीज़ है ना, उसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स पड़े हैं। तो एक टाइम के बाद वो कहीं ग्राउंड पे गिरेगा, कहीं किसी की छत पे गिरेगा, लेकिन किसी ना किसी ट्री पे भी तो गिरेगा, किसी फ्लावर किसी प्लांट पे भी तो गिरेगा, और प्लांट ऐसे रोल करके किसी भी गलती से अगर फ्लावर पे गिर गया तो उसका स्टिग्मा उसे पकड़ लेगा उसको, और थोड़ी देर बाद वो फट ही जाएगा, यहाँ पे गिरा हुआ है, थोड़ी देर बाद फटेगा और रिप्रोड्यूस करेगा उसके साथ। तो सोचिए एक रोज़ के फ्लावर के साथ वो कॉटन वाला फ्लावर आ गया, तो कितनी नई स्पीशीज़ मिल जाएगी। तो नेचर का तो यही काम है कि नई नई स्पीशीज़ लाए। हम लोग ये भी क्लास 10th में पढ़ेंगे जेनेटिक्स, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे नई स्पीशीज़ हम लोग को मिलती है, कि दो दो अलग टाइप ऑफ प्योर प्लांट्स या फिर हाइब्रिड प्लांट्स मिलके कैसे बनाते हैं नया प्लांट, वरना नई स्पीशीज़ मिले कैसे। आप देखेंगे प्लांट्स की कितनी सारी स्पीशीज़ हैं, हाँ पोमैटो, जब टोमेटो और पोटैटो को साथ में कराएं, है ना। चलिए गुड, नहीं ये पैसा बचाने के लिए नहीं, ये बेसिकली हम लोग करते हैं कि हमको दोनों के ही न्यूट्रिशन मिल जाए, टोमेटो में कोई और विटामिन, पोटैटो में कुछ और स्टार्च, तो दोनों को ही साथ में मिल जाए, दोनों ही हम लोग को साथ में मिल जाए। चलिए अभी तो हम लोग इसी पे रहते हैं, अब आप लिख लीजिए, सबसे पहले ऊपर है हेडिंग डाली एसेंशियल होल्स, एसेंशियल होल्स, उसके बगल में ब्रैकेट में लिखिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसके बगल में लिखिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फिर थर्ड होल हेडिंग डालिए, थर्ड होल एरो करके लिखिए एंडोशियम, ब्रैकेट में स्टेमेन, हाँ कलेक्टिवली कॉल्ड एंडोशियम, स्टेमेन, तो स्टेमेन हमारा सिंगुलर है, एंडोशियम प्लूरल है।
ठीक है। और इस पे जो इसको एरो पूरा ब्रैकेट में लिख दीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब ये डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, ये पूरा डायग्राम बना लीजिए। इसको मैं ये सब हटा दे रहा हूँ लाइनिंग्स, ये डायग्राम बनाइए, लेबल करिए, ठीक है, लेबल करिए इसको, किया सब कुछ, लेवल लेवल कर दिया, बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है ना कि पोलन से अफ्रीका में उसके अंदर से बहुत सारे से हाँ पॉलन ग्रेन्स हैं, गुड। ग्रेन्स की जगह अगर ग्रेन लिख तो नहीं, पॉलन ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पॉलन ग्रेन पूरा लिखना होगा आपको। ग्रेन तो अलग होता है, ग्रेन तो हम लोग, हाँ उन्होंने पूछा सिर्फ पॉलन ग्रेन की जगह हम लोग ग्रेन लिख सकते हैं, जो कि गलत है, पॉलन ग्रेन ही लिखना होगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हाँ ऐसे भी याद करिए किसमें मार्क्स मिलेगा किसमें नहीं मिलेगा। हाँ हाँ डिटेल तो ऐसे ही बनेगा। कर लिया, चलिए अब बड़े आ गए। हाँ हाँ दोनों लोग कॉपी कर लीजिए, कर लिए, बढ़िया। वैसे आपके में ये प्लांट का रिप्रोडक्शन है फर्टिलाइजेशन चैप्टर में? अच्छा एनिमल का पढ़ना है, तो एनिमल का रिप्रोडक्शन आप 10th में पढ़ लीजिएगा, क्लास में अटेंड कर लीजिएगा, जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो मोस्ट इनवाइटेड। क्या क्या बोलते हैं काट लो, क्या बोलते हैं जो भी मतलब नहीं हाँ होते, जब अगर काट लो क्या कहते हैं, मैं तो काट देता हूँ, मतलब काटते नहीं मतलब कहते पेटी फाड़ लेते हैं उसी इतना पता नहीं क्यों उस चीज को टैबू बना के चल रहे। जब तक बच्चा अवेयर नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा भाई, कैसे वो खुद अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा? आप भी तो ऑफस्प्रिंग हो, हम भी ऑफस्प्रिंग, सब किसी ना किसी का ऑफस्प्रिंग, मतलब पैदाइश। अच्छा चलिए, हाँ अब ये देखिए, ये स्टेमिन में भी फ्री और फ्यूज्ड का चक्कर होता है। इसमें देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा, वो तो आपको पता है ना, लिख लीजिए, ये पूरा स्टेमिन का स्ट्रक्चर है, दिस इज वन स्टेमन, कलिया। अब देखिए ये जो फ्लावर होता है इसमें काफी सारे स्टेमन होते हैं, दिख ही रहा है यहाँ पे, चार दिख रहे हैं, तो अगर ये स्टेमन साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, हाँ 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 रहते हैं, ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, किसी फ्लावर में बहुत अलग अलग, जैसे इसमें सब अलग अलग हैं, फ्री स्टेमन्स हैं, तो उसको क्या कहेंगे? फ्री पॉली वर्ड तो आप लोग गेस कर पा रहे होगे। नहीं पॉली एंड्रस कहते हैं, पॉली एंड्रस, ठीक है, ये टर्म लिख लीजिए, पॉली एंड्रस, एंड्रोशियम का उसने एंड लिया है, पॉली एंड्रस लिखिए, हाँ फ्री स्टेमिन पॉली एंड्रस,
फ्री स्टेमन पॉली एंड्रस, ANDROUS. हाँ नहीं कोई बात नहीं, काट दीजिए. एंड्रोशियम की स्पेलिंग होगी ANDROECIUM एंड्रोशियम की, लेकिन पॉली एंड्रस में ई नहीं आएगा. हाँ फ्यूज्ड, हाँ ठीक है. इसको पॉली एंड्रस कॉमा एक और टर्म से बोलते हैं पॉली एडेल्फस, लिख लीजिए. चलिए मैं इसको पॉली एंड्रस बोलते हैं. और एक और टर्म होता है इसके लिए, टर्मिनोलॉजी इसमें बड़ी खतरनाक है. सही बात है, सुशील नाम रख ले इसका. पॉली एडेल्फस किसके थाई? हाँ पॉली एडेल्फस, ठीक है. ये सॉरी फ्री वाला पॉली एंड्रस हुआ, ये फ्यूज्ड का पहला टाइप है. ये फ्यूज्ड भी होते हैं ना, तो बहुत अलग अलग टाइप से होते हैं. ये क्या करते हैं, हाँ फिर से मैं बताता हूँ. हाँ देखिए, जब प्लांट में स्टेमेन अलग अलग होंगे, ठीक है, फ्री होंगे, उनको बोलेंगे पॉली एंड्रस, ठीक है. अब अगर फ्यूज्ड होंगे तो तीन टाइप से लोग फ्यूज हो सकते हैं. ये लोग अपना अपना एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है. अब हाँ अपना ग्रुप बनाते हैं. अब वही ग्रुप में अगर ये पूरे एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उसको मोनो एडेल्फस कहेंगे. मोनो मतलब वन ग्रुप. अगर ये पूरा एक ग्रुप है और एक छोटा सा और एक ग्रुप है, मतलब ऐसे ढेर सारे ग्रुप और एक और ग्रुप, दो ग्रुप अगर बने तो उसको कहेंगे डाई एडेल्फस टू. और अगर ढेर सारे ग्रुप्स हैं तो उसको कहेंगे पॉली एडेल्फस, ठीक है. तो ये थर्ड, हाँ ये फ्यूज्ड है थर्ड. पॉली एंड्रस, हाँ हाँ उसका फ्री का बस एक, क्योंकि फ्री है तो उसका फ्री का टाइप क्या होगा. फ्यूज में थर्ड टाइप है, सेकंड टाइप होगा डायडेल्फस. हाँ बता रहे डायडेल्फस, इसमें अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बनाएगा. और फर्स्ट होगा जिसमें एक ही ग्रुप रहेगा, मोनो एडेल्फस. लिख सकते हैं, चलिए बना दे रहा हूँ वन ग्रुप. ये फर्स्ट नहीं है, वन ग्रुप मतलब एक ही पूरा बड़ा सा ग्रुप है. जैसे स्कूल्स में होता है ना, एक ही क्लासरूम में बच्चे ग्रुप बना के रहते हैं, कुछ बच्चे अलग अलग रहते हैं, तो ग्रुप भी काफ़ी होता है, तीन लोगों का ग्रुप, ठीक है, फिर चार लोगों का. तो वैसे तो इसमें एक ही ग्रुप है, ठीक है. एक ही क्लास में एक ग्रुप भी बन सकता है, सारे बच्चे साथ ही में एक ग्रुप के पार्ट हो. एक क्लास में दो ग्रुप भी हो सकते हैं तो वो डायडेल्फस. एक क्लास में बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं जो कि असल में होता है, तो वो पॉलीएडेल्फस होंगे, ठीक है. तो इसमें टू ग्रुप्स होंगे. अब वो ग्रुप में कितने सारे पार्टिसिपेंट है वो मैटर नहीं करता है. वो कितना भी, एक ग्रुप दो लोग भी हो सकता है, दूसरा ग्रुप दस लोग भी हो सकता है, वो नहीं याद रखना. पॉलीएडेल्फस में मेनी ग्रुप्स, मोर देन टू ग्रुप्स नहीं. नहीं नहीं इतना इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, जल्दी से. पॉली एडेल्फस, मोनो एडेल्फस, एडेल्फस सेम ही चलेगा, बस मोनो डाय और पॉली लगा दीजिए. हाँ हाँ ठीक है, इसमें मैं ध्यान दूंगा, थोड़ा सा लीनियंट रहूँगा. इस बार तो फिजिक्स है, हाँ रिवाइज करते रहिए, थोड़ा थोड़ा ही पार्ट पूछूँगा. ठीक है, तो मोनो एडेल्फस का एग्जाम्पल है चाइना रोज. चाइना रोज एक फ्लावर होता है, उसमें सिंगल ग्रुप में सारे गुच्छों में रहते हैं. चलिए इसको हम लोग देखते हैं डायग्राम में, तब समझ में आएगा जब डायग्राम की फैसिलिटी है.
नहीं नहीं वो बस प्लांट का नाम है, क्या बोला, जैसे कि शिमला मिर्च नहीं होती है, कैप्सिकम को शिमला मिर्च थोड़ी ना शिमला में पाई जाती है, पॉली एडल्फस इमेजेस। हाँ देखिए इतने सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं ना, देखिए अलग अलग ग्रुप्स हैं ना, एक दो तीन चार ग्रुप्स, तो ये पॉली एडल्फस है। नहीं ये फ्लावर नहीं है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हाँ ये स्टेमेंस है ढेर सारे, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत ही सिंपल फ्लावर दिखा, लेकिन असल में कोई फ्लावर आप देखते हो तो उसमें सब कुछ बहुत ही छोटा छोटा होगा ढेर सारा, तो बड़ा सिंपल है, लेकिन असल में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉली एडल्फस ऐसे होंगे ढेर सारे ग्रुप। अब देखते हैं मोनो एडल्फस, इसमें सब एक ही ग्रुप में रहते हैं, सारे एक ही ग्रुप में, देखिए सब एक ही ग्रुप में। क्या ये सब उससे फिलामेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मोनो मोनो एडल्फस, सब एक ही ग्रुप के पार्ट है। अब डायएडल्फस देखते हैं, डायएडल्फस होता है पी में, मोनो एडल्फस का एग्जाम्पल है चाइना रोज, चाइना रोज देखते हैं कैसा दिखता है। अच्छा हाँ मैं आप लोग को बताना कैसे भूल गया, आप लोग ने कभी इससे वो खेला है, स्टेमिन की लड़ाई करवाई है, करवाई होगी यार आप लोग। ये लाल लाल ऐसे ही सिमिलर एक फ्लावर होता है, तो आप लोग इसमें से तोड़ के आपस में लड़ा लड़ा के तोड़ने वाला काम किए हो, कभी नहीं किए बचपन में भी नहीं। अरे यार ऐसा कैसे, एसजेसी में तो बहुत होता था। हम लोग क्या करते थे, फ्लावर हम लोग को मिलता था उसमें ये ढेर सारे स्टेमिन निकले रहते थे, हम लोग इतना हम लोग स्टेमिन तोड़ते थे और दो स्टेमिन को आपस में लड़ाते थे, और जो एंथर पार्ट है ना बता रहे, ये देखिए ये दिखा, ये ऐसा था और एक दूसरा स्टेमिन लेते थे आपस में लड़ाते तो ऐसे खींचते थे, तो जिसका ये निकल जाए वो हार जाता था और जिसका बचा रहे, इतनी मज़ा आती थी भाई, इतनी मज़ा आती थी। सब जितना भी मतलब इसको हम बता नहीं सकते थे, कभी कभी छोटा छोटा बहुत ज़्यादा तगड़ा था वो निकलता ही नहीं था, कभी मोटे वाले बहुत तगड़े निकलते थे, तो करीब दो पीरियड दो घंटे का टाइम पास था ये। सारे बच्चे बैग में भर के लेते आते थे फ्लावर और उसमें से एक एक तोड़ तोड़ के आओ मुझसे आओ मुझसे आओ, टूर्नामेंट कराते थे हम लोग इसी में, और फिर पूरे क्लास में पॉलन ग्रेन बिखरे हुए हैं क्योंकि ये टूटने के बाद किसी के पैर से कचरे तो खूब पॉलिनेशन होता था, इसलिए तो ढेर सारे पेड़ उगाए हैं। पॉलिनेशन ही पॉलिनेशन, सबके सोर्सेज होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, यहाँ पे हम ही लोग स्टूडेंट्स ही सोर्सेज थे पॉलिनेशन के, प्लांट हम ही लोग को बोल रहे होंगे बढ़िया बढ़िया कराओ पॉलिनेशन। चलिए नहीं ऐसे ही दिखता है फ्लावर, बस उसमें बहुत अलग अलग, उसमें पॉली एडल्फस होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेम। हाँ अरे बहुत मज़ा आती थी यार, ऐसे ही एकदम फ्लावर होता था, बस ये अलग तरीके से ऐसे ऐसे करके स्टेमन निकले रहते थे उसके, ऐसे ऐसे। मेरे ख्याल से वो पॉलीएंड्रस थे, सब फ्री स्टेमन थे, तो उसमें से ऐसे स्टेमन तोड़ा, किसी ने और स्टेमन तोड़ा, फिर उसी में लड़ाते थे एंथर की लड़ाई, बहुत मज़ा आता था, नॉस्टैल्जिया हो गया। ठीक है तो हम लोग ने मोनो एडल्फस पढ़ा, पॉलीएडल्फस, एक बार डायएडल्फस भी देख के फिर नेचुरल गेम। अब टीचर बोले भी तो क्या, टीचर बोले भी तो क्या, बोल देते तो मैम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी कर रहे हैं। देखिए ये डायएडल्फस, ये पूरा ग्रुप है एक,
ये देखिए, ये पूरा एक ग्रुप, उसमें से एक और ग्रुप ये निकला, तो डायडेल्फस। हाँ, सैड लाइफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है ग्रीन पी का। वो उसमें ही 9+1 होता है, मतलब एक ग्रुप में 9 मेंबर होते हैं नॉन स्टेमन, और एक अकेला बेचारा बच जाता है। तो ये ग्रीन पी में ऐसे ही होते हैं। ग्रीन पी का ये स्टेमन है, ठीक है? नहीं नहीं ग्रीन पी मटर, ग्रीन पी स्टेमन। ये देखिए ऐसे होता है ये। तो देखिए एक पूरा ग्रुप है ये, उसमें से एक और ये निकला हुआ है, तो दिस इज पॉली डायडेल्फस। चलिए, समझ में आया इतना? गुड। तो पॉलीएंडस फ्री स्टेमेंस पे ऊपर लिख दीजिए। बॉम्बैक्स उसका एग्जांपल है। बॉम्बैक्स एक फ्लावर होता है, उसको भी देख लेते कैसा दिखता है, मतलब जिसके स्टेमेंस सारे फ्री हैं, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? पॉलीएंडस, ठीक है? हाँ, उसका एग्जांपल है बॉम्बैक्स, बॉम्बैस्टिक। नहीं, बॉम्बैस्टिक पे नहीं मिलेगा, बॉम्बैक्स। अरे यही तो है वो फ्लावर। अरे वाह, मिल गया, यही है यार वो फ्लावर, जिसको बॉम्बैक्स कहते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आया, इसी को याद कर रहे थे, मिल गया। चलिए अब इसको मैं आपकी एनाटॉमी करके दिखाता हूँ। चलिए, तो मटो डायडेल्फस, अब पॉलीएडेल्फस आएगा, ठीक है? देखिए इसमें ध्यान से देखिए, तो सारे स्टेमेन कितने अलग अलग है ना, फ्री स्टेमेन है। तो हम लोग ऐसे एक स्टेमेन निकालते थे, ऐसे दूसरा। इसको भी और जूम करें तो देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है इसका। ये देखिए छोटे छोटे नहीं है, ये एंथर्स हैं, ये छोटे छोटे एंथर्स हैं। तो हम लोग निकालते थे और एंथरों को आपस में लड़ाते थे, तो उसमें से कौन जीतता था पूरे एक फ्लावर में पता नहीं था कौन सबसे तगड़ा एंथर। एक एंथर कभी कभी करता था लाइन से 10 एंथर को हरा रहे। इसमें बड़ी खुरापेची होती थी, ऐसे फंसा के घुमा के निकाल लें या फिर फंसा के खींच के निकाल लें, और मज़ा आती थी। हाँ नहीं, बहुत ये अच्छे से टाइटली जुड़े होते हैं। कभी कभी तो लोग करते क्या थे, ऐसे फंसा के उंगलियों से ऐसे कर देते थे, बहुत इसमें ट्रिक होती थी, ठीक है? तो दिस इज पॉलीएंड्रस और ये है बॉम्बैक्स। ये आप लोग बताइए क्या है, थैलमस है ये। चलिए इसमें लेबल करते हैं, देखिए थैलमस, ठीक है? अब इसका कार्पेल ढूंढना बड़ा मुश्किल है। कार्पेल दिख ही नहीं रहा मुझे, ग्रीन ग्रीन पार्ट। कुछ पांच कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें कार्पेल्स पेटल्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। पेटल्स भी ढूंढना, ठीक है? हाँ, पेटल्स पर कुछ फ्लावर में ढूंढना मुश्किल होता है, ठीक है? बता रहा, चलिए आपके में वो पार्ट है नहीं जिसमें ना दिखे, तो हम लोग नहीं कर रहे उसको। चलिए बॉम्बैक्स दिख गया हम लोग को, ये पेटल है उसका, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और बीच में ये देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोजियम, स्टेमन से ढकी हुई है। वो हम लोग अगले टर्म पर करेंगे, आज टाइम नहीं बच रहा है, ठीक है? हाँ, तो पॉलीएंड्रस पे हम लोग ने लिख दिया बॉम्बैक्स, डायडेल्फस पे लिख दीजिए पी 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 ई ए, और मोनोएडेल्फस पे लिख दीजिए चाइना रोज, ठीक है? यहाँ पे हम लोग मोनोएडेल्फस पे लिख दीजिए चाइना रोज, डायडेल्फस पे पी, और पॉलीएंड्रस में क्या लिख देंगे? बॉम्बैक्स। गुड, चलिए तो समझ में आया थर्ड होल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गुड, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। चलिए क्या,